अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सर्डी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो आज की जो हमारी वीडियो है, वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले शॉर्ट में बता ही चुकी हूँ कि अब जो हमारी मैंने मोस्टली जो वीडियोस करी हैं वो सारी डिमांडिंग वीडियोस के ऊपर करी हैं, और आगे भी आप लोगों की ही डिमांड्स पर मैं वीडियोस पर रिएक्ट करती हूँ। बाकी जो मुझे छोटी मोटी मिल जाती हैं मैं उन पर भी रिएक्ट कर देती हूँ। सो आज की जो हमारी डिमांडिंग वीडियो है, पहली वो है कुरान किताब इलाही द लास्ट रिवलेशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी बाय इंजीनियर मोहम्मद अली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्मा, आपने हक बात कर दी। ट्रू। बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया, अम्मा आयशा कहती हैं कि हुजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे, अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूरह तहरीम की आयत वो छुपा लेते। तो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से हुआ, नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया था, लेकिन आपने तो अच्छा। हमारे यहां पे बरेलवी मकतब के लोग और अहले तशय्यो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बज़ाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है, ये गजब पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला, नाराजगी का, इन आयात का दर्स देने ही हराम है, बारे शरीयत के शुरू में लिखा हुआ है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, वो आयात हैं जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तगू हुई है। قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم, नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर ये अगर किताब रसूलुल्लाह ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते? अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती, قل ارايت من اهلكني الله ومن معي رحمنا, नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को तो बताओ काफिर किस जोम में, उनको अजाब से कौन बचा सकता है। कुरान में यह आयत होती सूरह बनी इसराइल की, क्या नबी करीब था कि तुम भी काफिरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। यह आयत सूरह बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हाका में ये आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शहरत काट दें, और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शहरत काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। फिर आया कि ए नबी तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, ये तो हमारा फजल है, हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते हैं। इतनी सख्त। सूरतुल अहकाफ में ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। इतनी सख्त आयात। ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना, ये सारी आयात वो हैं कि जो जस्टिफाई करती हैं कि ये इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो ये तो फैक्ट है। इन्होंने जब ये बैन कर दिया यार, तो इन्होंने काफिर को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है? वो तो सारी आयत पढ़ने ही गुस्ताखी है। ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर 295C लगवा लेगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता, नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता तो ये जो आयते मुबारक है, ए नबी तुम फरमाओ कि सूरतुल अराफ के अंदर ना तो मैं गैब जानता हूं, अगर मैं गैब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता, ना मैं तुम्हारे नफे का मालिक हूं ना तुम्हारे नुकसान का, मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का जो अल्लाह की तरफ से की जाती है, मैं तो डर सुनाने वाला हूं। अगर नबी इस्लाम ने किताब लिखी होती तो उसमें यह आयत होती, हर जगह अपने मामले को डिस्कस
इस सूरतुल अजाब में तो हुजूर की पूरी आयली जिंदगी डिस्कस हुई है कि नबी जो है ये शर्माते हैं, तुमसे बात नहीं करते, तुम नबी के घर जाके बैठ जाते हो और उनकी बीवियां जो है वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रहती थी कि अब मेहमान निकले तो ज़ाहिर है घर ही इतना तंग था तो ये नबी तो शर्म महसूस करते हैं लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। तो जब ये हो तो निकल जाया करो यहां से हर मामले के अंदर। हत्ता कि आपकी बीवी पे तोहमत लगी तो आपने कुरान की वही का नाजिल होने का इंतजार किया सूरतुन नूर का, वरना अपनी बीवी के बारे में डिस्कशन कुरान के अंदर आ जाती। ये सारी वो आयात है, कोई एक नीचे आया जिस तो जान छुड़ा लो, सारी ये सैकड़ों में आयात हैं जिन पे 295C लगती है, जो हमने तालीमात अपने बाबों से इंजेक्ट की गई है हमारे अंदर, हाँ कुरान के मुकदमे में फिट इन बैठती है। तो फिर सर हम क्यों ना कहें कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का नबी और है, बाबों का नबी और। मानते तो इसी खुदा और नबी को हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो कुरान में आई हैं, बल्कि उन तालीमात के साथ जो उनके बाप। अच्छा ये भी ना समझिएगा कि इन्होंने नबी इस्लाम के बारे में ये चीजें डिस्कस करने को इसलिए गुस्ताखी करार दिया कि इनको कोई हुजूर के साथ अकीदत थी, ना 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 ना, इन्होंने अपनी सारी चीजें छुपाने के लिए किया ताकि एक डॉक्ट्रिन सेट हो जाए ना। तो वो फिर कहते हैं, वो कहते हैं देखे साहबा का पीर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे उस्ताद और पीर हम हैं, तो जिस जिस तरीके से आप साहबा उनके साथ बिहेव करते थे तुमने भी उसी तरह बिहेव करना है। किताबें लिखते हैं पीरी मुरीदी की बुनियादी शर्त है कि आपने पीर से खिलाफ शरा काम भी देखा ना, बोलना कोई नहीं, वो अपनी लाइन सीधी कर रहे होते हैं। तो कुरान तो नहीं किसी को लाइन सीधी करने देता, कुरान तो बिल्कुल नंगी तलवार है। कुरान तो कह रहा है कि ए नबी तुम फरमाओ, मैं तो खुद सूरह यूनुस के अंदर कितने सख्त अल्फाज हैं कि ए नबी तुम इनसे फरमाओ मैं इतना अरसा तुम में रहा हूं, क्या तुमने मुझसे पहले कोई ऐसी बात सुनी थी, यानी मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैं कोई शायर नहीं हूं, मैं कोई फलसफी नहीं हूं, अचानक मुझे क्या हुआ है कि मेरे पे ऐसा कलाम नाजिल हुआ है कि तुम्हारे शोरा भी परेशान हो गए। तो मेरी पास्ट की जिंदगी इस बात का सबूत है कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रियाजत मौजूद नहीं थी कि जिसका रिजल्ट यह निकलता कि ऐसी किताब मैं अपनी तरफ से, इतना अरसा तुम मेरा हूं और अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं तुम पे तलावत ना करता, मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का कि जो मेरी तरफ नाजिल हुई। और फिर साथ वो आयत आई है जो सूरह यूनुस में भी आई, सूरह अल अनाम में भी आई, सूरह जुमर में, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، تب باب شاہی کوئی نہیں۔ پڑھنا ہے نا جملہ تھے، ہاں فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ ऑनेस्टली मैं पहले इंजीनियर मोहम्मद अली पे रिएक्शन बहुत देती थी तो, लेकिन इनकी कुछ वीडियोस में जो मुझे नहीं समझ आती थी या मैं समझ नहीं पाती थी सो वो मैंने रिएक्शन देने बंद कर दिए थे। बट ये मेरा डिमांडिंग वीडियो थी किसी की, इवन इस वीडियो में भी मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ आई। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बोला वो, और अल्लाह के बारे में, अल्लाह को हर कोई मानता है, इवन अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सो इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आई ये वीडियो ऑनेस्टली। सो इफ़ जो भी ये रिएक्शन देख रहे हो प्लीज़, और सभी बैठे होंगे रिएक्शन देखने के लिए, सो ये लोग ये रिएक्शन देखने के बाद सब कह रहे होंगे कि आपका कोई रिएक्शन ही नहीं था। सो सीरियसली मुझे ये वीडियो नहीं समझ आई, आप लोगों को अगर समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में प्लीज़ समझाना प्लीज़, क्योंकि आप मेरे से मेरे बहुत सारे भाई हैं जो मुझे कमेंट्स में समझाते भी हैं और मुझे उनका मतलब भी समझाते हैं। सो उनके लिए थैंक यू सो मच उन सब के लिए। सो प्लीज़ मुझे इस वीडियो का भी मतलब ज़रूर समझाना, मुझे नहीं समझ आई ये वीडियो। थैंक यू सो मच मुझे सजेस्ट करने के लिए।